स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर को दी एक बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर को एक बड़ी सौगात देते हुए कांकेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिलास देवी कैम्बट एयरपोर्ट चकरभाठा से बिलासपुर भोपाल बिलासपुर विमान सेवा का शुभारंभ किया। श्री बघेल ने चकरभाठा में आयोजित इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होकर विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज कांकेर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में नई हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य शासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के लगातार प्रयासों से पिछले 3.5 वर्षों में रायपुर के साथ साथ जगदलपुर और बिलासपुर से नई हवाई सेवाएं प्रारंभ हुई हैं। बिलासपुर और जगदलपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा के साथ सभी मौसम में विमान सेवा के संचालन के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरबा में व्यावसायिक एयरपोर्ट के साथ कोरिया में नई हवाई पट्टी के विकास की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसी तरह अंबिकापुर में 43 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट रनवे का विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जगदलपुर बिलासपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट में ऑटोमेटेड ATC उपकरण स्थापित किए गए हैं ताकि इन एयरपोर्टों में किसी भी समय विमानों और हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो सके। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बिलासपुर भोपाल बिलासपुर विमान सेवा के शुरू होने पर बिलासपुर सहित प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।